हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट टेट पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। प्लीज़ अपनी वीडियो पे ऊपर आपको थ्री डॉट्स शो हो रहे होंगे, आप प्लीज़ उस डॉट पे क्लिक करके वीडियो की रेजोल्यूशन को 360 पिक्सल पर कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो देखते वक्त कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े क्वालिटी रिगार्डिंग। चलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली कुछ पी एस टेट के रिगार्डिंग कुछ सीखने को मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वोटर पेपर वन के लिए। दोस्तों, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं ना वोटर के रिगार्डिंग, मैं सब कुछ आज लेकर आया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो ना, वोटर की कोई मर्जी टीचर रिगार्डिंग पेपर उठा लेना, टीचिंग एग्ज़ाम कोई मर्जी उठा लेना, आपसे हिट हो जाएंगे। चलो, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वोटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। वोटर को क्या माना जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों माना जाता है? बेसिकली क्योंकि जो पानी है बड़े सारे सॉल्यूट्स को अपने अपने में डिजोल्व कर लेता है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें घुल जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एंड दोस्तों, वाटर का सिंबल क्या होता है? H2O। एंड इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल। अगर आपको यूनिट्स याद नहीं रखने हैं, सिंपल इतने याद कर लो, 18 यूनिट्स। ठीक है, एक बात और बात करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर है? 70%। यानी कि हमारी बॉडी के पूरे पार्ट, 2/3 पार्ट हमारी बॉडी का क्या है? वाटर से फिल है। ठीक है, 2/3 पार्ट दोस्तों। प्योर वाटर जो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती एंड ना ही उसका कोई टेस्ट होता। एंड दोस्तों, हमको टोटल कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? मिनिमम एटलीस्ट हमें 3 से 4 लीटर पीना जरूर चाहिए, यानी कि 8 ग्लासेस एटलीस्ट इतना जरूर पीना चाहिए। एंड अदर बात करते हैं हम दोस्तों, जो अर्थ है, अर्थ का ओवरऑल 71% सरफेस है जो वो पानी से फिल है। अर्थ का 100 में से 71% सरफेस किससे फिल है? वाटर से। अगर हम इनडायरेक्ट बोले तो अप्रोक्सीमेटली 3/4 पार्ट अर्थ का किससे फिल है? पानी से फिल है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल 100% में से अर्थ में कितना फ्रेश वाटर हमें मिलता है, तो ओनली 3% मिलता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कितना मिलता है? ओनली 3% दोस्तों। एंड आपको ये भी पता होगा कि अर्थ की जो शेप होती है वो एलिप्टिकल शेप होती है ना, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर एंड इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अब दोस्तों, जितना भी पानी इसे हम बोलते हैं पोल एंड इसे बोलते हैं इक्वेटर। जो सरफेस, जो लैंड यहाँ पे होएगी, बेसिकली जो पानी यहाँ पे हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? बर्फ़ की फॉर्म में मिलता है, यानी कि आइस की फॉर्म में मिलता है। मैं यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, वाटर इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, यानी कि आइस की फॉर्म में मिलता है हमें। कहाँ पे मिलता है? अर्थ के पोल पे। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि हमको पानी के कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पानी के, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पानी के सिर्फ और सिर्फ 3 रिसोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रेश वाटर, जो मैंने FW लिख रखा है। सेकंड वन इज़ रिवर वाटर एंड थर्ड वन इज़ साल्टी वाटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी मिले हाई बी ओ डी का मतलब होता है बेसिकली बी ओ डी का फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाई बी ओ डी दोस्तों एक तरह का नेगेटिव वर्ड ही है, अगर मैं आपसे बोलूँ। हाई बी ओ डी का मतलब है कि पानी में सीवरेज की वेस्टेज ज़्यादा है। सीवरेज की वेस्टेज क्या है? ज़्यादा है। दोस्तों, अगली बात हम करते हैं, जो फिश है, फिश को कभी भी आपको पता होगा कि फिश को हम किस में रखते हैं? बेसिकली फिश को एक्वेरियम में रखते हैं, जो हम एज ए डेकोरेटिव पर्पज़ हम घर पे भी सजा के रखते हैं। ठीक है, उसे बोला जाता है एक्वेरियम, जो ग्लास का बना होता है। आपको पता होगा कि फिश के जब जिस एक्वेरियम में रखा जाता है ना, उसके अंदर एक पंप लगा होता है, वो हवा रिलीज़ करता है। बेसिकली वो क्या करता है? आउटसाइड से ऑक्सीजन को लेता है एंड इनवर्ड ऑक्सीजन को डिजोल्व करता है पानी में। जो ऑक्सीजन कौन यूज़ करती है? फिश यूज़ करती है इनहेल करने के लिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। दोस्तों, अगर आपसे बात की जाए कि क्या फिश को डिस्टिल्ड वाटर में रख सकते हैं, तो इसका आंसर गलत है। फिश को कभी भी हमने डिस्टिल्ड वाटर में नहीं रखना। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में दोस्तों न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते जो फिश को चाहिए। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों मूव करते हैं डेड सी। डेड सी का मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा सी जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है, मोस्ट साल्टिस्ट सी। अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक गिलास वाटर निकालते हो ना उसमें, तो उसमें एक गिलास वाटर में कम से कम 300 ग्राम साल्ट होता है। इस सी की दोस्तों खास बात क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया बड़े टीचिंग एग्जाम में डेड सी के बारे में। इस सी की खास बात क्या होती है कि जिस पर्सन को तैरना भी नहीं आता ना, वो भी इस पर्सन इसके ऊपर तैर सकता है। बेसिकली क्या होगा? बिकॉज इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जब हम इसके ऊपर लेटेंगे तो हम नीचे सिंक नहीं होएंगे, बिकॉज डेड सी इज़ वेरी वेरी डेंस। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपको पता लग ही रहा है कि एक ग्लास वाटर में 300 ग्राम साल्ट मिल रहा है,
यहाँ की यहाँ पे मतलब पर्सन क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है ऊपर, तैरने लगता है। कुछ दोस्तों वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। पहला प्रोग्राम पानी पंचायत, ये किस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, वाटर को कंजर्व रखने के लिए। दूसरा प्रोग्राम भारत संघ, भारत संघ यहाँ से रत से आपको याद आ सकता है, थोड़ा आप दिमाग में याद रख सकते हो, राजस्थान किसने दिया था, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह को वाटर मैन भी माना जाता है, जल पुरुष। आगे मूव करते हैं दोस्तों, कुछ हमारे पास साल्ट होते हैं। एक साल्ट होता है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट, हाइग्रोस्कोपिक साल्ट का मतलब है एक ऐसा साल्ट जो एयर में से पानी को क्या कर लेता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, विच अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एयर, उसे बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट। दोस्तों कुछ एक बैक्टीरिया होता है हमारे पास कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, और इसे ई कोली के नाम से भी बुलाया जाता है। बेसिकली ये क्या, इसका काम क्या होता है कि वाटर में पोल्यूशन कितना है, ये चेक करने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों अब मैं सर ज़्यादा वास्ट नहीं बताऊँगा आपको, जस्ट पेपर काफ़ी करीब है, टू द पॉइंट बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीएचएट के रिगार्डिंग, ठीक है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली क्या करता है, वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए हेल्प करता है हमारी, ठीक है, ठीक है। दोस्तों आपको इतना भी पता होना चाहिए, फॉर फ्रेश वाटर सप्लाई प्रेसिपिटेशन ऑलवेज ज़्यादा होनी चाहिए वेपोरेशन से। प्रेसिपिटेशन का दोस्तों बेसिकली मतलब होता है जो वाटर कंडेंस होते हैं ना, क्लाउड जब बनते हैं, क्लाउड से क्या होता है, बेसिकली क्लाउड कैसे बनते हैं, पहले जो सी वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है, फिर एयर पार्टिकल के साथ मिलकर क्लाउड बनने लगता है, वो क्लाउड जब कंडेंस होने लगता है उसमें से रेन आती है, उस रेन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। वो कहते हैं अगर हमें फ्रेश वाटर चाहिए तो रेन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन। दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, अगर रेन कम होगी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो फ्रेश वाटर हमें मिलेगा, सारा फ्रेश वाटर तो ऊपर उड़ जाएगा, समझ पा रहे हो। फ्रेश वाटर के लिए हमें प्रेसिपिटेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि रेन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन। दोस्तों ये भी पता होगा इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ये हमेशा सरफेस पे होती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वाटर इन माउंटेन रेंज 0.008%। दोस्तों जो माउंटेन रेंज पे वाटर की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, 0.008%, एंड ओशियंस पे पानी की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, 96.5%। आगे मूव करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर बेसिकली क्या होता है, जिसमें कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम टू पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, ऐसे आयंस पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। दोस्तों आगे हार्डनेस भी दो तरह की होती है, इसका सिंबल क्या होता है हार्ड वाटर का, D2O, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है D2O। दोस्तों हार्डनेस भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किन आयंस के कारण बनती है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोराइड एंड सल्फेट, किनके कारण बनती है परमानेंट हार्डनेस, क्लोराइड एंड सल्फेट। एंड दोस्तों टेम्परेरी हार्डनेस किनके कारण आती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के कारण। दोस्तों जिसका नाम परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव नहीं करते, टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए ना कि कैन वी रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस फ्रॉम द वाटर, सो वी कैन से कि टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। जस्ट हम क्या कर देंगे, वाटर को बॉइल करना शुरू कर देंगे तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट खत्म होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हार्डनेस बेसिकली हार्ड वाटर का मतलब जिसमें Ca2 पॉजिटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन पाए जाए, ठीक है। इसका सिंबल D2O। दो तरह की होती है परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस एक ऐसी हार्डनेस जिसमें क्लोराइड एंड सल्फेट पाए जाते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस एक ऐसी हार्डनेस जिसमें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जिसका नाम ही टेम्परेरी है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग। दोस्तों इतना पता होना चाहिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस स्केल में, 373 केल्विन केल्विन स्केल में। आगे मूव करते हैं दोस्तों, डिसइनफेक्टिफाई वाटर। वाटर को डिसइनफेक्टिफाई करने के लिए यानी कि उसको उसमें से इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो क्लोरीन टेबलेट आती है, क्लोरीन टेबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं पानी को डिसइनफेक्टिफाई करने के लिए। एलम को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फटकड़ी, जो फटकड़ी होती है ना, जब भी हम पानी में फटकड़ी डाल देते हैं वो क्या करता है, जितनी भी लाइट इम्प्योरिटीज़ होती है ना, फटकड़ी क्या करती है उसको अंदर सिंक कर देती है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, बेसिकली सेडिमेंटेशन दोस्तों हैवी पार्टिकल की भी होती है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बस सिंपल सी बात याद रखना कि जो एलम फटकड़ी का काम होता है ना, वो लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को क्या करता है, अंदर सिंक कर देता है पानी में से, ठीक है। एंड लास्ट वे बॉइलिंग, बॉइलिंग की हेल्प से भी हम वाटर को क्या कर सकते हैं, डिसइनफेक्टिफाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों अब क्या होता है कि किसी जगह पे ना, जब ग्राउंड वाटर, जो बंदे ना नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, मान लो पानी के ऊपर, उनको उनके पैरों पे ना कई बार ब्लैकिश ब्लैकिश होने लग जाता है, उनकी जो स्किन होती है सारा ब्लैक फुट हो जाती है, उसे हम डिसीज़ का नाम देते हैं ब्लैक फुट डिसीज़, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट कॉजिंग ब्लैक फुट डिसीज़। तो उस ग्राउंड वाटर में दोस्तों क्या पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उसका नाम पता होना चाहिए, आर्सेनिक, जिसकी वजह से हमारे पैर क्या होने लगते हैं, ब्लैकिश होने लगते हैं,
दोस्तों आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, हम आगे मूव करते हैं। जस्ट एक सेकंड वेट करो, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर काजेस मोटिंग ऑफ टीथ। दोस्तों अगर हमारे पानी में ज़्यादा अमाउंट में फ्लोरीन पाई जाए तो मोटलिंग हो जाती है टीथ की। मोटलिंग ऑफ दोस्तों टीथ का मतलब होता है कि हमारे टीथ क्या होने लगते हैं, येलोइश होने लगते हैं अगर एक्सेस फ्लोरीन पाई जाए हमारे पानी में। ठीक है दोस्तों, आगे इंडस रिवर होता है जिसमें मैक्सिमम कंटेंट ऑफ मेल्ट वाटर पाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रिवर है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर से पानी मेल्ट होकर आता है, तो वो कौन सा, उस रिवर का नेम क्या है? इंडस रिवर। ठीक है आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास टर्म कैच वाटर कैच वाटर वेयर इट फॉल, इसका मतलब कि ये किसके साथ रिलेटेड है? जहाँ पे भी पानी गिरे उसको कैच करने लग जाओ, मतलब कैच ऐसे नहीं कि बॉल को कैच लाइक, मतलब स्टोर करना, सेव करना शुरू कर दो, स्टोर करना शुरू कर दो, उसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किसके रिलेटेड है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जब भी रेन वाटर आओ उसे कलेक्ट करो, स्टोर करो, ना कि वेस्ट करो। आगे चलते हैं दोस्तों, ड्रिप इरीगेशन का अनदर नेम होता है ट्रिकल इरीगेशन। क्या होता है? ट्रिकल इरीगेशन। दोस्तों ड्रिप इरीगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे एक पेशेंट जब बीमार हो जाता है कि ड्रिप होती है ना, ड्रिप लगती है, उसे बोतल लगती है, तो उस बोतल पे आगे आपको पता होगा एक होल होता है, जिस होल की हेल्प से सारा लिक्विड थ्रू पाइप पर्सन की वेंस में जाता है, है ना दोस्तों, मतलब होल होता है ना ड्रिप में बेसिकली। सिमिलरली ड्रिप इरीगेशन का मतलब है कि इरीगेशन का मतलब अपनी फसल को पानी देना, ठीक है, बट ड्रिप इरिगेशन का मतलब उस पाइप में हमने निके निके होल कर देने हैं, छोटे छोटे होल कर देने जिसकी हेल्प से पाइप में से पानी थोड़ा प्रेशर से जाएगा। ठीक है, मतलब पाइप में हमने लाइक ऐसे पाइप समझो, ठीक है, इसमें हमने ब्रिक ब्रिक होल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पानी क्या जाएगा, ऐसे ऐसे रूट्स पे मिलता रहेगा फसल की। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, काफ़ी बेनिफिशियल रहती है ये और इससे वाटर लॉस भी ज़्यादा नहीं होता। इसका अनदर नेम क्या होता है? ट्रिकल इरिगेशन। दोस्तों एक और बात करते हैं, आर्सेनिक एलिमेंट, अभी मैंने बताया था आर्सेनिक एलिमेंट के कारण हमारी फुट क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा पाया जाए, एक बात और याद रखनी है, अगर पानी में आर्सेनिक ज़्यादा हो ना तो ये स्किन कैंसर करने लगता है। क्या करने लगता है? स्किन कैंसर। एक बात याद रखना, आर्सेनिक कोई ज़्यादा अच्छा एलिमेंट नहीं है हमारे लिए पानी में होना, ये बेसिकली एक तरह का पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है ये एलिमेंट पानी में, तो वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रही होगी, अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।